पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अम्बाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है, यही नहीं भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी के संजौली में आग लगने का मामला सामने आया है। अग्निकांड की ये घटना गुरुवार सुबह पेश आई। जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 8 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना मिली कि संजौली के इंजन घर के पास किसी मकान की ऊपरी मंजिल में आग लग गई है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड छोटा शिमला और माल रोड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस समय फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस मकान में आग लगी है वह किसी डॉक्टर का बताया जा रहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से टेकचंद वर्मा की रिपोर्ट।